दूरदर्शन न्यूज। माझी ब्लॉक स्थित पीएचडी की टंकी से दूषित पेयजल की सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई की हुई मांग। माझी ब्लॉक परिसर में स्थित पीएचडी की पानी टंकी से दूषित पेयजल की सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। माझी के पूर्व जिला पार्षद अभिषेक कुमार और पंकज सिंह ने सारण के डीएम को पत्र भेजकर दूषित पानी की जांच कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने माझी के जल संग्रह केंद्रों की साफ सफाई के नाम पर कथित रूप से अवैध निकासी कर सफाई की खानापूर्ति करने वाले नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग की है। श्री सिंह ने आरोप लगाया कि पदाधिकारी द्वैध की लापरवाही तथा मनमानी की वजह से ही माझी के सैकड़ों लोग डायरिया महामारी के शिकार हुए हैं। शिकायत करने वालों में कमल शर्मा, संजीव श्रीवास्तव, लालू यादव तथा अनुज कुमार आदि कई अन्य शामिल हैं। माझी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पिछले दो तीन दिनों से माझी में डायरिया का बहुत बड़ा प्रकोप है, जिसके कारण कि लगभग मैंने 200 से ऊपर जो पब्लिक है उन डायरिया के प्रकोप में आ चुके थे, जिसका कारण सिर्फ ये पानी टंकी है। इस पानी टंकी में आज तक जो भी हमारे जो कार्यपालक अधिकारी हैं माझी नगर पंचायत के, किसी भी टंकी का सफाई नहीं कराए हैं, जिसके कारण उसमें कीड़ा पड़ गया। कीड़ा पड़ने के बाद हर नल में, प्रत्येक नल में पानी जो है कि वो दूषित हो गया। प्रदूषित होने के कारण डायरिया फैल गया, जिसका परिणाम आप लोग देखे हैं कि दो तीन दिन पहले माझी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बेड तक नहीं बचा था जिससे कि व्यक्ति का पर पानी चढ़ सके। जिसका मैंने जैसे हमको पता चला, सिविल सर्जन महोदय से हमने फ़ोन किए कि माझी स्वास्थ्य केंद्र में जितना व्यवस्था बन सके, पानी चढ़ाने का जो काम हो वो, एम्बुलेंस, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। मैंने ज्ञापन भी दिया है माझी प्रखंड विकास विभाग के माध्यम से जिला समर्था को कि इसमें जो है कि जो कार्यपालक जो पदाधिकारी हैं उनको बोलिए कि साफ सफाई पर ध्यान दें, पानी टंकी को सफाई करें और जो चलानी मिठाई जो है उस पर रोक लगाया जाए। जो दीपावली छठ पूजा के अवसर पर जो मिठाई आ रहा है वो चलानी मिठाई के चलते भी डायरिया फैल रहा है और माझी नगर पंचायत की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसका पूरा जो है जिसका पूरा श्रेय जाता है कार्यपालक पदाधिकारी को। आपको मालूम होना चाहिए कि नगर पंचायत जब से घोषित हुआ है और जब से ये कार्यपालक पदाधिकारी हैं, हर महीना 5.5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच के अंदर हर महीना ये खर्चा दिखा रहे हैं। वो खर्चा कहाँ जा रहा है? कहीं साफ सफाई नहीं हो रहा है, सिर्फ मेन रोड पर झाड़ू लग रहा है, पानी का टंकी का सफाई नहीं हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं दिया जा रहा है, फॉगिंग का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा दिखाने के लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी है वो भी पूरा काम नहीं कर रहा है। मैं तो जिला अधिकारी से मांग कर रहा हूँ इस माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके इनके ऊपर, कार्यपालक पद के ऊपर ऑडिटर बैठाया जाए, ऑडिटर बैठा कर हिसाब लिया जाए कि ये 5.5 से 6 लाख का जो पैसा हर महीना जो गमन ये कर रहे हैं किस काम में कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं कार्यपालक अधिकारी को बोल रहा हूँ कि पब्लिक पटिशन लिख करके और सीधा डीएम से मैं मांग करूँगा इस पर कार्रवाई हो, और यदि उससे भी बात नहीं होगा तो माझी की जनता को रोड पर हम लोग धरना प्रदर्शन काम करेंगे, क्योंकि जनता को मरने नहीं देंगे। सभी लोग सभी में लगे हुए, लेकिन मैं आज भी ये डायरिया के प्रकोप के खिलाफ में आज भी मैं लगा हुआ अधिकारी पदाधिकार से लेकर। आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक कुमार सिंह, पंकज सिंह, पूर्व जिला पर समाजी भाग 4, भाजपा कार्य समिति के सदस्य हैं, किसान मोर्चा का बिहार प्रदेश से। साफ सफाई के लिए देखिए मैंने ज्ञापन दे चुका है, अब जो भी समस्या होता डीएम से बड़ा तो कोई है नहीं जिला के लिए। जब डीएम को हमने दे दिया है कि उसको साफ सफाई कराया जाए, जब ये लोग नहीं कर रहे हैं तो छठ पूजा के बाद निश्चित तौर से जनता जो रोड पर हम लोग उतार करके मांग करेंगे और एक कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर जो गमन कर रहे हैं ये पैसा का, हमारे एक हमारे अनुज भाई के तुल समान एक बसंत कुमार अधिवक्ता भी हैं, जिसका इन्होंने न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति को भी चिट्ठी लिखकर भेजा गया है कि पैसा का गमन हो रहा है। उसके बाद जिला अधिकारी के द्वारा आदेश भी कर दिया गया है इस बात पर, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जिला अधिकारी महोदय निर्णायक कदम उठाइए और निष्पक्ष जांच करा करके यदि वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई करने की कृपया किया जाए।